आनी तरमीमों पर गुफ्तगू शनीद से बात आगे बढ़ती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल नहीं है? वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का कहना है कि आइन के हदूद के अंदर गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जारी है। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो गैर आइनी है? गुफ्तगू शनीद से मामलात हल होते हैं, और कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल नहीं और होने क्या जा रहा है? विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक महीने से ये डिबेट चल रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? मैं तो बल्कि अपने साथियों से कहूंगा जो अपोजिशन के भी दोस्त हैं कि वो खुले दिल के साथ, जैसे कल मैंने उन्हें कहा था कि वो अपनी सजेशन भी तो देना, सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़े, पेंडेंसी है तो वो किसी तरफ नहीं लग रही। फैसलों के ऊपर आपके सामने है किस तरह की तनकीद होती है, कभी लिटरली ये सिचुएशन लगती है कि जैसे आइन को रीराइट किया गया। तो इन चीज़ों को बैठ के सोचना चाहिए, और जब फ्रेमर्स ने ये गुंजाइश रखी आर्टिकल 239 में कि पार्लियामेंट के आइन को तब्दील करने, आइन में कुछ एजाद करने या आइन से कुछ निकालने की पावर्स जो है वो अनलिमिटेड है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने दें इन चीज़ों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।